सब लोग आपको सुने तो आपको मैसेज देना चाहेंगे सबको देयर आर सुपर मॉडल्स दैट्स रियली गुड थैंक यू सो मच आई नो आपका नाम है वीना मदान फ्रॉम पासवर्ड चंडीगढ़ आई नो आई एम भूपिंदर फ्रॉम चंडीगढ़ पासवर्ड थैंक यू मैम पहले पूजा फिर कोई दूसरा यार तो लेट हो गया मैं तो ओके और आप हैं मंजीत तो प्रोवाइड फ्रॉम पास से मैम आप देखने से तो हाउसवाइफ लगती लेकिन आवाज प्रिंसिपल वाली नहीं कर रही है प्रिंसिपल भी होना जरूरी है ना मैं सोच हूँ कहाँ से पहुँचूँ पर माँ से अच्छी लेने हैं मैम माँ सब क्या लेने अब तो मास्टर्स कर ली हो गया आपको ओके मैम धन्य आपके स्कूल जाके नहीं आप लोग अभी थैंक यू नहीं कर रहे अभी यही है आज का मास्टर मैं हूँ हेडमास्टर मैं हूँ आज का अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे देखिए जनरली स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी इंग्लिश मैथ संस्कृत एसएसटी तो अगर हिंदी का पीरियड होता है टीचर आती तो बच्चों को क्या कहते हैं हिंदी में बात करो कृपया हिंदी में वार्तालाप करें इंग्लिश का पीरियड होता है प्लीज टॉक इन इंग्लिश नी टू लर्न इंग्लिश मैथ्स के पीरियड में कैसे बात करेंगे तो मैसेज क्लियर नहीं हो ना 1 2 3 एक दो तीन खड़े हो जाओ बाकी सारे बैठे हो मैं बताता हूँ होता क्या ज्यादा 3-5 मत का नहीं तो 2-4 चढ़ दूंगी फिर 9-11 हो जाएगा थैंक यू सो मच आपके आशीर्वाद से कमाल हो गया भी हो गया राइट और ये जितने भी सुपर मम्मीज पंजाब से आई खड़ी इनके लिए स्पेशल ट्रैक लगा रहे हैं और आप सबने रॉक द स्टेज कर देना जी छा देना जी चक दे बड़े दबदे के लिए सूरज इंदर शामी दिल्ली वैसे दिल्ली से पंजाबी रोडों की बसें बहुत प्यारी होती हैं जब वो 20 की स्पीड में चलती हैं सिर्फ खिड़कियाँ खड़कती हैं जब वो 40 की स्पीड में चलती हैं उनकी कुर्सियाँ हिलने लगती हैं जहाँ वो 60 टच करती है फिर कुछ नहीं सीधा बाद में खबर आती है लेट्स सिंग द सॉन्ग और आप सबने तालियां जरूर बजानी है राइट लेट्स डीजे प्ले यो यो One, two, three. अंग्रेजी भीड़ में
Thank you so much. Everyone give them a huge round of applause. Everyone getting together from down. That's pretty great. And now it's time for some recognitions. I'd like to call upon stage Benita. Please get it together for her. Thank you. Many, many congratulations to the winners. And ek baar zorda taaliyan bajiye. Please get it together. Mizoram wale taali nahi baje. Come on, get it together, people. Come on, Mizoram table. Come on, get it together. Right, aajkal baaton ka bahut daur chal raha hai. बाबा कितने तरह के बाबा आने लगे और आप कितने बाबाओं को जानते हैं आप जानते हैं किसी का नाम बताएंगे निर्मल बाबा निर्मल बाबा 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 निर्मल बाबा ये बाबा नहीं बेबी बेबी खड़े हो जाओ भाई एक मिनट प्लीज ये लॉक प्लीज ओके निर्मल बाबा के बारे में क्या जानते हैं थोड़ा सा ज्ञान प्लीज मुझे भी दीजिए टीवी घर तो रोहिणी दिल्ली में है तो बहुत दूर से है मेरा घर रोहिणी दिल्ली में है तो फिर आपका तो नजदीक पड़ेगा तो ज्यादा आपको यहाँ से सामने मैं बाबा करीब पड़ेंगे टीवी करीब पड़ेगा बाबा करीब अच्छा निर्मल बाबा को और कम बन जाता प्लीज एक हाथ का रख दीजिए बाबा छोटी बेबी से पकड़ो बाबा कोई तो मेरे बाबा का जरिया बाबा तक पहुंचने का जरिया ओके प्लीज छोटी फिल्म प्लीज हाँ जी मैम निर्मल बाबा के बारे में कुछ बताइए इस विषय पे कुछ रोशनी डाली है क्या रोशनी डाले उन्होंने हम सब पे तो रोशनी डाल दी मैम कुछ फीचर्स बाबा के कुछ फीचर्स वो क्या कहते हैं कैसे कुछ फीचर्स बाबा के कुछ फीचर्स बाबा जो है किसी नेता से कम नहीं है इसलिए आप सब लोग सोचे थे बाबा से दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा बाबा से दूर है मैं अच्छा पीछे भी है अच्छा उधर भी है वो भी पीड़ित है नहीं पीड़ित तो बाबा जी के पास गए थे हाँ जी निर्मल बाबा के पास बहुत सारे लोग जाते हैं साधना में उनके समागम में वहाँ पर बैंक में उनके अकाउंट में पैसे जमा करते हैं और बाबा किस तरह से बताते हैं अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं मीठी चटनी खाइए तीखी चटनी खाइए इस तरह से कोई प्रेग्नेंट हो सकता है प्लीज खड़े हो गया एक बार उधर प्लीज एक बार बाबा मैम प्लीज एक बार आपके पास अभी भी है कृपा हो रही है निखिल बाबा कहते हैं आपके घर में 10 की गड्डी होनी जरूरी है आपके पर्स में 10 के नोट होने चाहिए कितने लोग 10 के नोट रखते हैं क्यों पापा जी ने ले लिए पहले रखते थे लिखते ऐसी एक महिला उनके पास पहुंची कहती बाबा जी मैं अपने हस्बैंड से बहुत दुखी हूँ बाबा जी ने कहा बेटा कुछ समय इंतजार करो कृपा होगी थोड़े दिनों बाद हस्बैंड का दिल परिवर्तन हुआ उसने कहा प्रिय ये बताओ अगर कल को मैं गुम हो जाऊं या मैं कहीं चला जाऊं तुम क्या करोगी कहती मैं कुछ नहीं करूंगी सीधा निर्मल बाबा के पास जाऊंगी तुम इतना प्यार करते मेरे से नहीं बोली बाबा जी कृपा हो रही है ऐसी एक और बाबा करो अच्छा लगेगा और साथ में बाबा लाते हैं जिनकी खुद की आंख बंद है दूसरों की आंखें खोलने चले पता ही नहीं लगता ऐसी एयरपोर्ट में 3 लेडीज मिल गई पता होगा आप में से कितनी लेडीज करती हैं प्लीज यार लाइट तो चला दो पैसे पूरे दिए होंगे राइट सो एयरपोर्ट में 3 लेडीज मिल गई एक बड़ी जोर से चक 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 मैंने मैम इससे क्या होता है कहती इससे बाल घने काले लंबे होते हैं मैं दूसरी मैम कहती मैं बस अभी कर गए थे नाखून दर्द कर रहे थे तीसरी मैडम ने हाथ करके बैठे थे आप बैठे हाथ नीचे कर लो हम काम कर वो देखो बाबा रामदेव की बड़ी फॉलोअर तो किसी तब से बाल ही चलाए जा रही दोनों मिलते मैंने कहा क्या बात है आप क्यों नहीं कर रहे उन्होंने हाथ उठाया बेटा देखो ज्यादा गर्म मूछे आ गई ऐसे ही बाबा रामदेव के पास एक बंदा और पहुंच गया कहता बाबा मेरे को गैस की बहुत प्रॉब्लम है पेट साफ नहीं रहता क्या करूं बेटा सुबह रोज जल्दी उठा करो शुद्ध वायु मिलेगी उससे सब ठीक हो जाएगा
एक महीना दो महीना तीन महीना तो बाबा कुछ नहीं हुआ क्या करूं। बाबू बोलते बेटा ये बताओ सुबह कितने बजे उठते हो। बाबू मैं 7 बजे उठता हूँ। कहता वही तो 6 बजे उठा करो, इससे पहले तो मेरे सारे भक्त सारे ऑक्सीजन ले जाते, तुम क्या करते हो 7 बजे उठ के। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आपके सामने एक अनोखा टॉक शो लेके आ रहे हैं हमारे फैमिली मेंबर्स। प्लीज एक्ट्रा फैमिली मेंबर्स कॉफी विद एक्ट्रा।